जी अस्सलामुअलैकुम मैडम, आई रिसीव्ड अ क्यूरी फ्रॉम योर एंड दैट यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग असाइनमेंट्स रिसीविंग ऑन योर गूगल क्लासरूम। सो फॉर एग्जांपल, ये मैं गूगल क्लासरूम के अपने होम पेज पे आया। आप गूगल क्लासरूम, आपका आइडिया ऑलरेडी होगा, गूगल में गूगल क्लासरूम लिखेंगे तो आपके होम पेज पर ले जाएगा। सो आई हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन माई गूगल क्लासरूम, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, हम यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एक सेक्शन बी का है मेरे पास, एयर यूनिवर्सिटी का। ये आपके पास उसकी सब स्ट्रीम आ रही है कि इस पर क्या कुछ होता रहा है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने अपलोड की हैं, आपको आइडिया होगा ऑलरेडी। ये आपका क्लास वर्क है, आपने अभी तक क्या क्या अपलोड किया है। कोई चीज़ अगर आपने एडिट करनी है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्टली इसका लिंक किसी को सेंड करना है, यू कैन कॉपी द सेट लिंक। एनी वे, अब आते हैं सबसे पहले ग्रेड्स पे। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ जी, ग्रेड्स पे हम आते हैं। सो ये चूँकि मैंने मार्क की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे क्लास वर्क, पहले क्लास वर्क चेक कर लेते हैं जी। क्लास वर्क के रिलेटेड मैं चेक कर लूँ, आपका क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं आया हुआ था ना। यस, नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चैप्टर टू की असाइनमेंट है। हाँ जी, चैप्टर टू की असाइनमेंट है, तो उन्होंने बताया कि 44 ग्रेडेड हो गई हैं, 2 को टर्न एंड 3 असाइंड। ये ज़्यादा आपका आइडिया यहाँ से रहेगा। यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये वो असाइनमेंट्स हैं जो जब भी मैं, ये मैं आपको क्लास वर्क में स्ट्रीम में दिखा दूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्लास वर्क के अंदर अगर आपको चेक करूँ, कोई भी असाइनमेंट जो मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे, उसके इंस्ट्रक्शन के साथ व्यू असाइनमेंट, फाइन। तो यहाँ पे आपको कोई भी असाइनमेंट आप अपलोड करते हैं तो यहाँ से आप कोई भी असाइनमेंट चेक करना चाहें। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, आसान कर देता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको स्ट्रीम नज़र आ रही है। क्लास वर्क में आप आते हैं, यहाँ पे आपने चैप्टर 3 जो जो चीज़ें अपलोड की, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 की असाइनमेंट है जिसकी 19th अक्टूबर अभी ड्यू डेट है, तो इसको हम नहीं चेक करते। हम ऐसा चेक करते हैं जिसकी ये असाइनमेंट असाइनमेंट यस, चैप्टर 1 की असाइनमेंट जिसकी ड्यू डेट 2nd अक्टूबर थी, ठीक है जी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि कितने लोग ग्रेड हो चुके हैं। व्यू असाइनमेंट पर आप अगर क्लिक करें, इंडिविजुअल की बात करूं, तो ये सिर्फ चैप्टर 1 की आपको असाइनमेंट बता देगा। ये मिसिंग वगैरह और ये चीज़ें इसलिए मुझे दिखा रहे हैं बिकॉज मैंने इसको ग्रेड कर दिया। ग्रेड कैसे करना है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये तमाम आपके पास स्टूडेंट शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप वन बाई वन इनकी क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि उनको आपको आप उन्होंने आपको क्या सबमिट करवाया था। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन ये दी होती है कि जो भी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे वो हैंड रिटन फॉर्मेट में होगी, वर्ड की फाइल में वो सबमिट नहीं करवाएंगे, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि उन्होंने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, एक ये स्टूडेंट है, ये उसके अभी असाइनमेंट अपलोड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हैंड रिटन फॉर्मेट में ना करें तो कॉपी पेस्ट किस तरीके से करते हैं, वो नेट से ही कोई ना कोई डाटा उठाते हैं और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से मुझे एटलीस्ट ये आइडिया हो गया कि जिसने हाथ से लिखी उसको कुछ ना कुछ तो चीज़ें याद रही होंगी। नेक्स्ट एरो पे क्लिक करता हूँ, ये नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट का आ जाएगा। यहीं पे आप बैठे यहाँ पे ग्रेड करते जाएं, यहीं पे असाइनमेंट देखें, अभी चूंकि मैंने तो उसको ग्रेड कर दिया, यहाँ पे आप इसको ग्रेड करते जाएंगे, इस तरीके से आप इसको क्लिक करते जाएंगे। अच्छा, एनीवे, मैं इस पर वापस आता हूँ। और अगर हम, ये तो था वन बी वन असाइनमेंट देखने का। ग्रेड्स का एक तरीका ये भी होता है, आप यहाँ से असाइनमेंट्स आपने सबके ग्रेड्स ड्राफ्ट कर लिए, ये देखें यहाँ पे जब मैं रिटर्न ऑल करता हूँ तो रिटर्न ऑल का मतलब होता है सबको मैसेज चला जाए कि उन्होंने उनके मार्क्स लग गए और जो जो उनके मार्क्स होंगे उनको अपडेट हो जाएंगे। अभी मेरे पास रिटर्न की शीट में सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं रिटर्न ऑल करूँ तो ये भी मेरे पास रिटर्न ऑल ऑफ है बिकॉज इसकी लास्ट डेट 17 अक्टूबर है। तो ये रिटर्न ऑल जैसे आप करेंगे तो जिसके आपने जो जो मार्क्स डेट लगाए होंगे वो सबको नोटिफिकेशन भी चली जाती है, ईमेल भी चली जाती है, और प्लस यहाँ पे आपको ये भी नज़र आ रहा होता है किसकी असाइनमेंट मिसिंग है, किसने लेट सबमिट करवाई, ये सब चीज़ें। और यहाँ से आपको इंडिविजुअली वन बाई वन अगर आपने असाइनमेंट यहाँ पे चेक करनी है, यहाँ पे चेक करते जाएँ, यहाँ पे उसको ग्रेड लिखते जाएँ। और अभी जैसे, अच्छा, यहाँ पे जब हम ग्रेड लिखते जाएंगे यहाँ पे उनके कमेंट्स भी नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, वन बाई वन चेक करते जाएँ, यहाँ पे आप जब सब चीज़ें ऐड कर लेंगी उसके बाद आप सेम उसी तरह ग्रेड्स वाले ऑप्शन में जाके रिटर्न ऑल जब करेंगे तो ड्राफ्ट में जितने मार्क्स पड़े होंगे लोगों के सबको वो असाइन हो जाएंगे। और बाकी तो आई थिंक आपको बाकी ये चीज़ों का तो आइडिया होगा कि यहाँ से आप लिंक कॉपी करके तो अपना इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, शायद आपको आइडिया होगा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक टीचर हूँ, अब मुझे अपने ये तमाम चीज़ें असाइनमेंट्स चेक करने के लिए एक टीए को भी साथ लगाना था। अब टीए के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो असाइनमेंट्स चेक कर सके और रिटर्न टू ऑल स्टूडेंट्स कर सके, जो टीचर्स के पास अथॉरिटीज़ हैं। तो अब यहाँ पे आके उसको किसी का भी टीचर्स के अंदर यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करेंगे
तो उसके पास भी वही अथॉरिटी होगी जो मेरे पास है। तो ये एक और ऑलरेडी मेरी टी है जिसके पास अथॉरिटी तमाम मेरी असाइनमेंट्स चेक करती हैं और ये उसके मार्क्स वगैरह जो है रिटर्न करते हैं। ग्रेड्स का आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आपके पास एवरेज ग्रेड आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो बता रहे हैं आउट ऑफ 5 3.82 इसके 82 ग्रेड्स हैं और 4.02 एवरेज ग्रेड सबके हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपने पूछी थी और मैंने ट्राई तो की है टू हेल्प आउट। तो लेट्स सी, थैंक यू जी।